हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल तो करते ही होंगे और आप सभी लोगों ने पेटीएम के बारे में एक न्यूज तो सुना ही होगा कि पेटीएम बैन होने वाला है। तो अब बात उठता है कि क्या सही में पेटीएम बैन होने वाला है, और अगर बैन होगा तो हमारे पैसों का क्या होगा और कब बैन होगा, जानेंगे सारी चीज़ें, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, हाल ही के कुछ महीनों पहले RBI ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि 29 फरवरी के बाद कोई भी पेटीएम की कुछ सुविधाएं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक और फास्टैग। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो ये नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और पेटीएम में फास्टैग का इस्तेमाल बड़े बड़े हाईवे पर टोल प्लाजा में पेमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको पेटीएम के फास्टैग में रिचार्ज करना पड़ता है। तो यह सिर्फ पेटीएम में ये दो सुविधाएं ही बैन हुई है, बाकी आप पेटीएम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पहले करते थे। उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से अपने पेटीएम को लिंक करना पड़ेगा और ये वैसे ही काम करेगा जिस तरह से फोन पे, गूगल पे जैसी पेमेंट ऐप्स काम करती है। अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक और फास्टैग में पैसे हैं तो आप 29 फरवरी के बाद भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आप इसमें नया पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर मेरी मानो तो 29 फरवरी से पहले अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे हैं तो इसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि पैसों को लेकर के रिस्क क्यों लेना। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।